أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات। आइए अल्लाह से रहमत और मग़फ़िरत की दुआ कीजिए। दुआ को सुनने के साथ साथ दिल में आमीन कहिए और इस दुआ को दूसरों तक पहुंचाइए। हो सकता है दूसरों की आमीन से हमारी दुआ कबूल हो जाए। ऐ अल्लाह, तमाम तारीफें तेरे ही लिए हैं। तूने इस कायनात को अपने हुक्म से बनाया, हर चीज़ को नज़्म व ज़ब्त दिया और हमें वजूद बख्शा। तू ही हमारा खालिक है, पालने वाला और ज़िंदगी बख्शने वाला है। ऐ अल्लाह, हमें अपनी नेमतों की कदरदानी करने वाला बना कि हम हर पल तेरी तारीफ करें और शुक्रगुजार बंदे बने। तेरी अजमत और बुजुर्गी का इदराक हर दिल में पैदा फरमा और हमें तेरी रजा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे। या अल्लाह, तेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही वसल्लम पर सलामती हो, जो हदायत का चराग और रोशनी का मंबा है। हमें इनकी सुन्नतों पर अमल करने और इनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही वसल्लम की तालीमात को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने वाला बना और रोज़े क़यामत हमें इनकी शिफ़ात से नवाज। या अल्लाह, हमसे जो भी गुनाह हो गए हैं इनसे माफ़ी मांगते हैं। अनजाने में और जानबूझकर किए गए गुनाहों को बख्श दे, हमारी ख़ताओं को माफ़ कर दे और हमें सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमें नदामत दिल की गहराइयों से अता फरमा और हमें हमेशा तेरी तरफ लौटने की हिम्मत दे। ऐ अल्लाह, हमें हर हालत में सब्र की तौफीक दे, चाहे आजमाइश हो या कोई भी मुश्किल वक्त। हमें शुक्रगुजार बना कि हम तेरी हर अता करदा नेमत पर तेरा शुक्र अदा करें। हमारी ज़िंदगी को सब्र और शुक्र की दौलत से भर दे, ताकि हम हर वक्त तेरी रज़ा में राज़ी रहें और हमारी ज़ुबान से हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह जारी रहे। या अल्लाह, हमारे दिल को हसद की आग से बचा, क्योंकि ये इंसान को बर्बादी की तरफ ले जाती है। हमें जादू और हर तरह के शर से महफूज रख। ऐ अल्लाह, हमें खालिस दिल अता कर जो दूसरों की भलाई चाहे और हमें इस काबिल बना कि हम हर बुराई से दूर रहें। हमारे दिलों को इतना मजबूत बना कि हमें किसी की खुशहाली पर हसद ना हो, बल्कि हम इनकी कामयाबियों पर खुश हों और अपना दिल साफ रखें। ऐ अल्लाह, हमें शैतान के शर से महफूज रख। शैतान हमारे ईमान को कमज़ोर करने की कोशिश में रहता है। हमें इसके वसवसों से दूर रख और अपने ज़िक्र से हमारे दिल को मुनव्वर कर दे। हमें इतनी ताकत दे कि हम शैतान की हर चाल को नाकाम बना सकें और हमें अपनी राह पर साबित कदम रख। या अल्लाह, तू हर दिल की पुकार सुनता है और हर ज़रूरत को पूरा करने वाला है। हमारी जायज़ हाजात को पूरा फरमा और जो चीज़ हमारे लिए बेहतर नहीं इनसे हमें बचा।
हमें सब्र और इस्तकामत के साथ इंतज़ार करने की तौफीक अता फरमा और हमें अपनी रहमतों से नवाज, ताकि हमारी ज़िंदगी में सुकून और बरकत हो। या अल्लाह, जो कर्ज के बोझ तले दब गए हैं, इनकी मदद फरमा और इन्हें इस बोझ से निजात दे। ऐ अल्लाह पाक, हमें ऐसे वसाइल अता फरमा कि हम कर्ज से आज़ाद हो सकें और अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बना सकें। हमारी अपनी ज़रूरियात को महदूद रखने की तौफीक दे, ताकि हम कर्ज से बच सकें और अपने वसाइल का सही इस्तेमाल कर सकें। या अल्लाह, हमें हर किस्म के नुकसान से महफूज रख, चाहे वो माली हो, जानी हो या रूहानी। हमारे फ़ैसलों को हमारी ज़िंदगी में बरकत का सबब बना और हमें हर मुश्किल से बचा। हमें नुकसान से सीखने की तौफीक अता फरमा और हमारी ज़िंदगी को कामयाबियों से नवाज। या अल्लाह, तू शिफा देने वाला है, जो बीमार हैं इनको मुकम्मल सेहत याब कर और इनके जिस्म और रूह को सुकून अता फरमा। हमें जिस्मानी और ज़हनी बीमारियों से महफूज रख और हर तरह की तकलीफ़ से निजात अता फरमा। हमें सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने का मौका दे, ताकि हम तेरी इबादत बेहतर तरीके से कर सकें। या अल्लाह, हमें हलाल और पाकीज़ा रिज़्क़ अता फरमा और हमें इसका इस्तेमाल करने की तौफीक दे। हमें हराम से बचने की तौफीक दे और हमारी ज़िंदगी को तेरी दी हुई नेमतों से भर दे। हमें अपने रिज़्क में बरकत अता कर और हमें अपनी राह में खर्च करने वाला बना। या अल्लाह, हमारे घरों को सुकून और मोहब्बत और खुशियों का गहवारा बना दे। हमारे दरमियान मोहब्बत, इत्तफाक और बरकत अता फरमा और हर तरह की आजमाइश से बचा। हमारे ख़ानदान को तौफीक दे कि हम एक दूसरे का ख्याल रखें और एक दूसरे की खुशियों में शरीक हों। या अल्लाह, हमें दुनिया में इज्जत और सुरखरुई अता फरमा और आखरत में कामयाबी अता कर। हमें वो अमाल करने की तौफीक दे जो हमें तेरे करीब करें और हमारे लिए आखरत की कामयाबी का सबब बने। हमें इस काबिल बना हम तेरी ज़िंदगी में इज्जत के साथ जिए और क़यामत के दिन सुरखरू हों। या अल्लाह पाक, जो लोग शरीके हयात की दुआ मांग रहे हैं, इन्हें सालेहा हमसफ़र अता फरमा, जो दीन में इनका मावन हो और दुनिया व आखरत में इनके लिए सुकून का ज़रिया बने। हमें ऐसे साथी अता फरमा जो दीन और दुनिया में बेहतर साबित हो और हमारी ज़िंदगी को खुशियों से भर दें। या अल्लाह, हमारी औलाद को दीन का पाबंद और इखलाक का पैकर बना। इनके दिलों में तेरे लिए मोहब्बत पैदा कर और इन्हें हर बुराई से महफूज रख। इन्हें बेहतरीन इल्म अता फरमा और ऐसे अमाल करने की तौफीक दे जो तेरे करीब ले जाए। हमारी औलाद को हमारे लिए सदका जारिया बना और हमें इनकी तरबियत का हक अदा करने की तौफीक दे। या अल्लाह, हमें दुनिया में सुकून और खुशी का घर अता फरमा और आखरत में जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। हमारे घरों को तेरे जिक्र से मुनव्वर कर और हमें हर किस्म की बुराइयों से महफूज कर। हमें ऐसा घर अता कर जो हमारी दुनिया और आखरत दोनों में कामयाबी का ज़रिया बने। या अल्लाह, हमें हिकमत, इलम और फहम अता फरमा, ताकि हम ज़िंदगी के हर मोड़ पर बेहतर फैसला कर सकें।
हमें सही और गलत में फ़र्क करने की सलाहियत दे और अपनी राह पर चलने की तौफीक अता कर। हमें वो इल्म अता कर जो हमें दुनिया और आखरत दोनों में फ़ायदा पहुँचाए और हमें हमेशा तेरी राह पर कायम रखे। या अल्लाह, तमाम अंबियाए इकराम पर अपनी रहमतें सलामती नाजिल फरमा, जिन्होंने हमें हदायत का रास्ता दिखाया। हमें इनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक दे। इनकी तालीमात को अपनी ज़िंदगी में नाफिज़ करने वाला बना। हमें अंबियाए इकराम की दुआओं में शामिल कर और इनकी मोहब्बत दिल में बैठा दे। या अल्लाह, हमारे मरहूमीन पर अपनी रहमत नाजिल फरमा, इनकी कब्रों को जन्नत के बागात में तब्दील फरमा और इनके दर्जात बुलंद कर। हमें इनकी दुआओं से नवाज और हमें इस काबिल बना हम इनके लिए सदका जारिया बन सके। या अल्लाह, हमें आखिरत की फिक्र अता फरमा और दुनिया के फितनों से महफूज रख। हमें इन अमाल की तौफीक दे जो आखिरत में हमारी कामयाबी का जरिया बने, हमारी ज़िंदगी को आखिरत की तैयारी में लगा दे और हमें इन चीज़ों से बचा जो हमारी आखिरत को नुकसान पहुंचा सकती हैं। या अल्लाह, हमें कब्र के अजाब से महफूज रख और क़यामत के दिन हमें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। हमारी कब्रों को रोशनी से भर दे और हमें अपनी रहमत के साए में रख। हमें ऐसा ईमान अता कर जो हमें कब्र में काम आए और क़यामत के दिन हमारा सहारा बने। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद।